हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2015 वाले नतीजे इस बार भी दोहराए जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने किए हुए काम पर भरोसा है। क्या आम आदमी पार्टी का यह दावा सही है? इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने दिल्ली के गोल मार्केट में लोगों से बात की। देखिए जरा दिल्ली के गोल मार्केट इलाके के लोगों का क्या कहना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। 8 फरवरी को जनता अपना मत देके अपना उम्मीदवार चुनेगी और इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र गोल मार्केट में मौजूद हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता की क्या राय है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानते हैं क्या है उनकी राय। सर ये बताइए, क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ पर? जो है केजरीवाल की सरकार ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो है जो 67 सीटें आई, अब की और उम्मीद करते हैं कि 70 की 70 सीटें आने की उम्मीद है। 70 सीटों की उम्मीद केजरीवाल, लगता है ऐसा होगा? आशा है। हाँ, पूरी आशा है। कांग्रेस और बीजेपी का क्या? देखिए जी, आप दोनों वो लोग नहीं आएंगे यहाँ, सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी आनी है। केजरीवाल जी ने अच्छे काम करे हैं, बहुत हमने खुद अपने आंखों से देखा है। वो कहते हैं आंखों देखा अच्छा होता है, कानों सुना अच्छा होता है। किन मुद्दों पे, किन कामों पे आप केजरीवाल को वोट करेंगे? सर हम केजरीवाल के बदौलत से यहाँ पे है, बहुत अच्छा काम करता है वो, जो करता है वो सही काम करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी क्या राय है। केजरीवाल सही है, घर दिया, मकान दिया, रह रहे बना करके, और क्या रहे। बिजली के बिल माफ करने के, हम लोग बिजली के बिल नहीं भर पाते उतना पैसा। पहले शीला दीक्षित था तो कभी रहा बिजली के बिल, अब बिजली के बिल आने लगा था उतना ना भर नहीं पा रहे हूँ। कभी लाइट कट के हम लोग के चले जाए, जिसके घर में मीटर है उसके घर में लाइट जलते रहता, तब हम लोग को जाने पड़ता वहाँ, और क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो काम किया है उसी उम्मीदवार को वो जिताकर सामने लेके आएंगे, और यहाँ पर केजरीवाल के हक में ज्यादा लोग बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली।